इन दिस सेक्शन आई एल एक्सप्लेन द इकोमिक फंक्शन ऑफ फ्यूचर मार्केट तो फ्यूचर मार्किट्स अगर मार्केट में ऑपरेट हो रही होती हैं तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये पहुँचता है कि जो एक्सपोजर है टूवर्ड्स रिस्क दैट कैन बी री एलोकेटेड या इट कैन बी शिफ्ट अदर पार्टीज हुआ रेडी टू टेक अप द रिस्क सो अगर कोई भी एक इन्वेस्टर है या कंज्यूमर uh, है वो सटन सिचुएशन में अगर हाई लेवल ऑफ रिस्क फोर्सी रहा है और वो उस रिस्क को शिफ्ट करना चाहता है अपने एक्सपोजर को तो दे कैन डू इट बाय पार्टिसिपेटिंग गेटिंग पार्ट और पार्टिसिपेटिंग इन द फ्यूचर्स मार्केट सो एक तो री एलोकेशन ऑफ एक्सपोजर है दैट कैन बी दैट दैट इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द फ्यूचर्स मार्केट एक और जो फायदा है वो क्या है कि इफ़ द फ्यूचर्स मार्केट आर देयर तो उससे उसमें जो भी प्रोड्यूसर्स कस्टमर्स कंज्यूमर्स इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं फ्यूचर मार्केट में वो उनके पास सफिशेंट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर चीज़ का स्टॉक हमें हमारे पास रखना चाहिए या नहीं तो या इमीडिएटली बेच देना चाहिए चीज़ को या स्टोर करनी चाहिए कि अगर उनको लग रहा है कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर एसेट की या कमोडिटी की, की कीमत बढ़ने वाली है तो इट इज़ बेटर टू स्टोर इट या अगर वो फॉल करने वाली है फ्यूचर में फॉरवर्ड प्राइस जो है उसके लिए वो उनको फ़ौरन उठा के उसको निकाल दें बेच दें तो ये तमाम पोजिशन लेने के लिए दे नीड टू हैव सफिशेंट इन्फॉर्मेशन तो फ्यूचर मार्केट का एक और फ़ायदा जो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को होता है वो ये है कि जो भी आपके कमोडिटीज़ ट्रेड हो रहे हैं बिजनेस हो रहा है जिनके ऊपर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कमोडिटीज़ हैं उन तमाम के बारे में करंट प्राइसेस स्पॉट प्राइसेस, फ्यूचर प्राइसेस ये तमाम के ऊपर इफॉर्मेशन जनरेट होती है उसके ऊपर लोग क्योंकि इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन या डेटा को जनरेट किया जाता है तो दिस इज अनादर एडवांटेज ऑफ हैविंग फ्यूचर्स मार्केट दैट अलॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ हैविंग अ वाइब्रेंट और अ स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव फ्यूचर मार्केट सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द इकनॉमिक एडवांटेज ऑफ फ्यूचर मार्केट आई लि आई टेक एन एग्जाम्पल के सपोज़ यू पार्टिसिपेट इन अ फ्यूचर मार्केट और आपको लग रहा है कि एक माह के बाद नेक्स्ट क्रॉप आएगा हारवेस्ट हो के मार्केट में और अभी उस आने नई फसल के आने में अभी एक माह बाकी है और सपोज़ हम एक वीट डिस्ट्रीब्यूटर को की मिसाल ले रहे हैं कि सपोज उसके पास एक टन वीट का रखा हुआ है तो अभी उसको देखना पड़ेगा कि मुझे इसको होल्ड करना है या इसको मुझे अभी बेच देना चाहिए तो उसके लिए उसने क्या किया उसने मार्केट से प्राइस पता कि स्पॉट प्राइस ऑफ वीट टर्न्ड आउट टू बी टू डॉलर पर बुशल और जो फ्यूचर की प्राइस थी वो अभी सपोज हम उसको रहे करें कि लेट्स कॉल इट एफ़ कैपिटल एफ़ की फ्यूचर प्राइस एफ़ है तो अब उसको फैसला करना है कि वो इस वीट को स्टोर में रखे या उसको अभी बेच दे क्योंकि जो फ्यूचर की कीमत है उसका तयन करना पड़ेगा उसको कि वो अगर हायर है तो नेचुरली उसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा कि मुझे कॉस्ट ऑफ कैरी यानी कि इस पर्टिकुलर वीट को एक माह स्टोर करने के लिए जो मुझे इजाफी खर्च करना पड़ेगा ये जो फ्यूचर मार्केट में फ्यूचर में प्राइस देखने को मुझे मिल रही है एक माह के बाद अगर वो इससे बढ़ जाएगी जो अभी स्पॉट प्राइस है तो मेरा खर्चा टोटल कितना आएगा और वो उसको कंपेयर करेगा कि मुझे इसको रखना चाहिए इन नंबर्स को कंपेयर करेगा ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे अब मेरे पास वीट को स्टोर करना चाहिए या इमीडिएटली इसको बेच देना चाहिए नाउ इफ फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन व्हाट द डिस्ट्रीब्यूटर कैन डू इज ही कैन हैज हिज एक्सपोय टू द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस दैट कैन बी देर और उसके पास दो चॉइसिस हो सकती हैं नंबर वन ये है कि वो सेल कर दे ही कैन सेल द वीथ इन द स्पॉट मार्केट फॉर टू डॉलर पर बर्शल एंड डिलीवर इट इमीजिएटली सो इमीजिएटली वो दो डॉलर के ऊपर अपनी सारा स्टॉक जो है उसको वो बेच दे या दूसरी चॉइस उसके पास क्या आ सकती है कि वो सेलिंग शॉर्ट और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एट द प्राइस ऑफ एफ एंड डिलीवरिंग द वीट अ मंथ फ्रॉम नाउ जब फसल ताज़ा तैयार होके आएगी तो एफ प्राइस के ऊपर वो उस पर्टिकुलर चीज को वीट को जो उसके पास स्टॉक है उसको वो बेच सकता है अभी वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कर दे और शॉर्ट पोजिशन ले ले Now, ये जो सेकेंड पोजिशन है ये डिपेंड करती है एक और अहम बात पे वो क्या है कि अभी एफ का तयन है किस चीज़ की बिना के ऊपर उसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको फिजिकली स्टोरिंग द वीट के ऊपर कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा कि एक माँ वो अपने पास वीट स्टोर करेगा तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट टू कैरी वो कितनी देनी पड़ेगी इसमें स्टोरेज की कीमत आ सकती है कि आपने कोई वेयर हाउस बुक किया हुआ था या गोदाउन गोडाउन लिया हुआ था गोदाम में रखी है उसका किराया देना पड़ेगा उसके ऊपर एक कोई मुलाजिम या चौकीदार भर्ती पड़ा करना पड़ेगा जो कि उसकी हिफाजत करेगा वो निकाल के ना ले जाए और कुड भी अगर व्हीट नहीं है कुछ और आपने चीज़ें रखी हुई हैं तो उनकी कोई और फर्दर मेंटेनेंस की ऊपर कॉस्ट भी आ सकती है या उसका कोई गत्ते वत्ते खराब हो गए हैं तो आपको नई पैकिंग डालनी पड़ेगी या कुछ भी इस तरह की चीज तो वो आपका एडिशनल खर्चा है नाव वो जो एफ है जो कि आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में तयन करना चाहते हैं जो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है या तो अभी बेच दें सारी की सारी वीक या एक माह के लिए उसको विधहोल्ड कर लें तो उसको विधौल करके किस कीमत पे आप फ्यूचर में बेचना चाह रहे हैं उसके लिए आपको तयन करना पड़ेगा कि फ्यूचर की कीमत कितनी होगी राइट right? अब वो फ्यूचर की कीमत आपके अभी स्पॉट प्राइस को के साथ में आपको काउंट फॉर करना पड़ेगा आपका कॉस्ट ऑफ कैरी तो वी आर सेइंग दैट सपोज अगर जो आपका कॉस्ट ऑफ कैरी है वो टेन सेंट्स पर बुशल है तो आपकी जो कीमत फ्यूचर की है वो अगर टू डॉलर स्पॉट प्राइस प्लस टेन सेंट्स जो आपका कॉस्ट ऑफ कैरी है वो एफ उससे बड़ी होगी ओनली देन

ट्रांजेक्शन यू विल नेिंक ऑफ स्टोरिंग द थिंग और आप अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं जाएंगे सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इसका मतलब ये है कि वेन वी हैव टू तो डिसाइड के हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाना है या नहीं जाना वीट को स्टोर करना है या उसको स्पॉट प्राइस के ऊपर बेच देना है उसके लिए हमें अकाउंट फॉर करना है कॉस्ट ऑफ कैरी को सो वी नीड टू लुक एट दिस पर्टिकुलर इन इक्वालिटी के हमारे पास यहाँ एफ जो है वो फ्यूचर प्राइस है एस हमारा स्पॉट प्राइस है तो फ्यूचर प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस का जो डिफरेंस है आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैरी है अगर वो इस डिफरेंस से छोटी है ओनली देन यू विल गो फॉर द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज इट इज नॉट अ गुड आइडिया एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इज दैट द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस इज नोन एज द स्प्रेड दो स्प्रेड जो है आपका जो कॉस्ट ऑफ कैरी है वो हमेशा आपके स्प्रेड से छोटा होना चाहिए ओनली देन द डिस्ट्रीब्यूटर विल गेट इन टू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और विल टेक द शॉर्ट पोजिशन अगर उसका कॉस्ट ऑफ कैरी स्प्रेड से बड़ा हो गया तो ऐसे के कॉन्टेक्स्ट में ही वुड नेवर गो फॉर द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सो देर आर दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर टू बी टेकन केयर ऑफ एंड टेकन इन टू अकाउंट वेन यू आर डिसाइडिंग टू गेट इन टू द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और नॉट